Aligarh Muslim University students carried out the police station to complain against a member of UPCM Yogi Adityanath's Hindu Yuva Vahini Aditya Pandit for posting derogatory texts about Prophet Muhammad on Facebook. Hundreds of them reached the police station and said that they could sacrifice their own lives but can't bear a single word against their prophet. Aditya Pandit naam ka ek ladka hai jo Hindu Vahini ka hai. और उसने मुसल्लम की शान में गुस्ताखी की है जिसको मुसलमान किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने मुल्क के हालात को देखकर, अलीगढ़ के हालात को देखकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हजार लड़का सड़क पे खड़ा हुआ है, उसको हम रोक के आएँ कि कोई भी ना इसमें जो है जज्बाती ना हो, फेसबुक पर इसको ना डाले। हमसे CO साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने भरोसा दिया है कि उसे एक घंटे में वो गिरफ्तार करेंगे, इसलिए हमने बहुत खामोशी के साथ उस पर ये FIR कराई है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस पर ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं पुलिस से वो कार्रवाई करे इस पर। आगे सिविल लाइन थाने हम इसलिए आए कि हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक है हिंदू वाणी का आदित्य पंडित, उसने इस तरीके की पोस्ट किया है जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी रोष में है, तो उसी के लिए हमने FIR मुकदमा दर्ज कराया और हमें ये निश्चित समय दिया गया है तब इन पर कार्रवाई हो जाएगी। The angry Muslim students are also threatening to turn violent if strict action is not taken against Pandit. One of the students says, "We are not the only ones to have taken the responsibility for peace of the country." अगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी CM को भी लिख रहे हैं, PM को भी लिखा है, प्रेसिडेंट को भी लिखा है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मुल्क की शांति की गारंटी हमने नहीं ली है, क्योंकि हम अपनी जानों पे बर्दाश्त कर सकते हैं, हुसल्लम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते किस चीज़ को। हम उसने को जैसा कि हम अपनी जबान से नहीं कहते, बहुत ही अपशब्द उसने यूज़ करें और वो ऐसे हैं कि कोई भी मुस्लिम समाज उसको देखेगा तो उसको आहत होगा और उसमें रोष होगा।